हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर, जो है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। इस चैप्टर का ये दूसरा लेक्चर है, मिस्टेक से वन लिखा गया है, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम दूसरा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है अंतः संक्रमण तत्व। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो है संक्रमण तत्व, जिसे हमने पहले पढ़ लिया है। अंतः संक्रमण तत्व ये दूसरा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अंतः संक्रमण तत्व क्या होता है, और उसके बाद हम समझेंगे अंतः संक्रमण तत्व के अभिलक्षण, मतलब इसका गुण क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, पूरी तरीके से डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं और समझने पर फोकस करते हैं। तो देखिए, अंतः संक्रमण तत्व आता है, अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं तो समझिएगा, थोड़ा सा बेसिक बात है, कुछ चीजें हम समझ लेते हैं। देखिए, अंतः संक्रमण तत्व, ये नीचे आपको दो कॉलम दिखाई दे रहे हैं, ये इसी को हम अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं, या इसे हम एफ ब्लॉक के तत्व के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसे हम एफ ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। देखिए, यहां पे लिखा गया है कि आवर्त सारणी में छवे मतलब छठे व सातवें आवर्त से क्या लिखा गया है, यहां पे कहा जा रहा है कि छठे व सातवें आवर्त से और तीसरे वर्ग से 14-14 तत्वों को उठाकर आवर्त सारणी के नीचे दो श्रेणियों में रखा गया है, जिसे हम एफ ब्लॉक का तत्व कहते हैं, और इन्हें ही अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। तो ये हुआ इसका परिभाषा। अब परिभाषा को समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया समझाते हैं, याद हो जाएगा। देखिए, हम इतनी बेसिक कुछ बातें हैं जो आपको जानना आवश्यक है। देखिए, हम इतनी बात जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल है हमारी आवर्त जो सारणी है, इसमें जो आवर्त होते हैं वो टोटल 7 होते हैं। आवर्त सारणी में आवर्त जो होते हैं वो 7 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 आवर्त इस तरीके के होते हैं। देख रहे हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, ठीक है। और उसके बाद मतलब आवर्तों की संख्या कितनी है, मैं यहां पे लिख दूं, ठीक है, आवर्तों की संख्या टोटल होती है 7, और वर्ग 1, 2, 3 इस तरीके से देखेंगे तो 18 तक, 1 से लेकर 18 तक। तो वर्ग की संख्या कितनी होती है, वर्ग कहें या समूह कहें या श्रेणी कहें, इसकी संख्या होती है टोटल 18, ठीक है ना। इतनी बात आपको पता चल गया कि इस तरीके को आवर्त कहते हैं, और वर्ग इस तरीके से हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं या समूह कहते हैं। तो यहां पे ये बात बताया गया, कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी में छठे व सातवें आवर्त से, तो छठा और सातवां आवर्त क्या है, ये है छठा आवर्त, ये है छठा आवर्त, ये वाला पूरी लाइन, ये यहां से यहां तक, ये है छठा आवर्त और ये है सातवां आवर्त। तो कह रहा है कि छठे व सातवें आवर्त से और तीसरे वर्ग से, तीसरा वर्ग क्या है भैया, तीसरा वर्ग है ये वाला, ये तीसरा वर्ग है ये वाला। तो कह रहा है कि छठे और सातवें आवर्त से और तीसरे वर्ग से 14-14 तत्वों को उठाकर क्या किया गया है, आवर्त सारणी के नीचे दो कॉलम में, दो श्रेणियों में रखा गया है, जिसे हम एक ब्लॉक का तत्व कहते हैं, या अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं, या इसे ही आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। एक बार और परिभाषा सुनिए, समझिए और याद कीजिए। कहा यह जा रहा है कि आवर्त सारणी में छठे और सातवें आवर्त से, छठा क्या है, यहां से लेकर यहां तक, ये टोटल छठा है, ये सातवां आवर्त है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी में छठे और सातवें आवर्त से और तीसरे वर्ग से 14-14 तत्वों को उठाकर आवर्त सारणी के नीचे दो श्रेणियों में रखा गया है, जिसे एफ ब्लॉक का तत्व कहते हैं,
जिन्हें और इन्हें हम क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा, परिभाषा रटना नहीं है, समझकर याद करना है। एक बार में ना समझ में आए ये पीछे ले जाइए वीडियो, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इतनी बात आप लिख देंगे, इतना आपके लिए काफी है। इसके बाद आपको केवल ये फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, यहां से लेकर यहां तक आप लिख देना है, काफी है। और ये नोट्स में आपको ये पॉइंट्स, ये जो बातें हमने आपको इंपॉर्टेंट बताया है, इसको नोट्स में आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ही खुद कंफ्यूज हो गया था जब हमने संक्रमण तत्व पढ़ाया था, तो उसमें मिस्टेक्स हमने कह दिया था कि आवर्त कितने होते हैं 18 और वर्ग हमने बता दिया है 7। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अब आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत कंफ्यूजन इसमें होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम देख लेते हैं। यहां पे ये कहा जा रहा है कि अंतः संक्रमण तत्व के अभिलक्षण, अब इसका क्या गुण है इसको हम समझते हैं। तो यहां पे पहला इसका गुण कह रहा है कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n माइनस, मतलब इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n माइनस 2 fo कक्षक में प्रवेश करता है। हम जानते हैं कि हम इतनी बार जानते हैं ये है, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं ये है परमाणु का नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर ये इस प्रकार क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं, ठीक है, इस प्रकार कक्षाएं होती हैं। तो मान लेते हैं बहुत सारी कक्षाएं हैं, मान लेते हैं इस परमाणु का ये अंतिम कक्षा है, तो अंतिम कक्षा को n से दर्शाते हैं, अंतिम से एक पहली वाला जो कक्षा होगा इसको हम n माइनस 1 से दर्शाएंगे, इससे एक और इधर वाला होगा इसे n माइनस 2 से दर्शाते हैं। तो यहां पे ये कहा जा रहा है, आप समझ रहे हैं ना, अंतिम वाले को n से, उससे पहले वाले n माइनस 1 से, उससे पहले वाले मतलब उससे पहले वाले को कि n माइनस 2 से दर्शाते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n माइनस 2, मतलब समझ रहे हैं अंतिम से ये वाला कक्षा की बात हो रही है कि n माइनस 2 के f कक्षक में प्रवेश करता है, n माइनस 2 के f कक्षक में क्या होता है, प्रवेश करता है, कौन, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो ये बातें क्लास 11th में आपको पूरी तरीके से डिटेल में बताया गया है, पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं आपके पास अभी समय नहीं है, तो आप इतना याद कीजिए कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n माइनस 2 f उपकोष कह सकते हैं कक्षक में प्रवेश करता है, ठीक है, उपकोष भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा कह रहा है कि इनकी बाहर, मतलब इनकी बाहरी तीन कक्षाएं अपूर्ण होती हैं, इसलिए इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। मतलब समझ गए कि अंतर जो संक्रमण तत्व होते हैं, तो इनके जो तीन कक्षाएं क्या होती हैं, अपूर्ण होती हैं, मतलब तीन ऐसी कक्षाएं होंगी जो भरती नहीं है, ठीक है, इसीलिए इन्हें हम आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। अगला कहा जा रहा है कि इनको दुर्बल मृदा तत्व के नाम से भी जाना जाता है, क्या, इनको दुर्बल मृदा तत्व के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जमीनों में बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए दुर्बल मृदा तत्व के नाम से जाना जाता है। अगला कहा जा रहा है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप समझ लीजिए, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n माइनस 2 f 1 से लेकर 14 तक, n माइनस 1 d से 0 से लेकर 10 तक, ns 1 से लेकर 2 तक होता है। तो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। थोड़ा सा ये टाइपिंग में लिखा गया है तो आपको मिस्टेक ना हो, इसीलिए मैं नीचे हैंड रिटन में लिख दे रहा हूँ। ये लिखा गया है n माइनस 2 f 1 से लेकर 14 तक, फिर से यहाँ पे कॉमा देकर फिर से आप लिखेंगे n माइनस 1 d 0 से लेकर 10 तक, और फिर से n s 1 से लेकर 2 तक, ठीक है ना जी। तो ये आप याद रखेंगे, यही बात यहाँ पे लिखा गया है। टाइपिंग में क्या होता है कि मैं देखता हूँ कि अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे F में हम जानते हैं कि S जो उपकोष है इसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो इसे 1 से 2 तक लिखा गया है। D में हम जानते हैं अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसलिए 0 से लेकर 10 के बीच में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। F उपकोष में हम जानते हैं 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं टोटल अधिक से अधिक, तो इसलिए 1 से 14 तक लिख दिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे,
ठीक है ना। तो इसका अदर कोई रास्ता नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तभी आप समझ पाएंगे जब बेसिक आपको आधार जो होता है वो आपको पता हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्लास 11 की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगला कह रहा है कि इनका दो श्रेणियों में रखा गया है, मतलब इनको दो श्रेणियों में रखा गया है, ठीक है। एक होता है लेंथेनाइड और एक होता है एक्टेनाइड। मतलब जो अंतः संक्रमण तत्व है इसको दो श्रेणियों में रखा गया है, ठीक है। देखिए एक ये श्रेणी है और एक ये श्रेणी है, तो इनके दो श्रेणियों में रखा गया है। इसे एक को कहते हैं लेंथेनॉइड और एक को कहते हैं एक्टिनॉइड। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगला कहा जा रहा है कि इनमें धात्विक गुण होता है, मतलब इन तत्वों में क्या होगा, धातु के जैसा गुण पाया जाता है। अगला कहा जा रहा है कि यह रंगीन आयन बनाते हैं, ठीक है। अगला कहा जा रहा है कि इनका गलनांक व कथनांक क्या होता है, उच्च होता है। मतलब इसको अगर हम गर्म करेंगे तो ना ही ये जल्दी पिघलेगा और ना ही ये जल्दी वाष्प में बदलेगा, यही बात कहा जा रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि यहाँ पे आपको लगभग 8 इंपॉर्टेंट आपके अभिलक्षण बताए गए हैं, मतलब विशेषताएं बताई गई हैं, या हम कह सकते हैं गुण बताया गया है, जो कि आपको आसानी तरीके से समझ में आया होगा। एक दो बार पढ़ेंगे ना समझ में आ जाएगा, मैंने आसान शब्दों का प्रयोग करके आपको बताया है। अदरवाइज मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं यही आपसे कहूँगा, यदि आपको लगता है कि आपके लिए कुछ मेहनत किया गया है, तब जाकर आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी सबसे खास बात है कि यदि आप क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की पढ़ाई करना चाहते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, समय कम है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक मिल जाएगा। आप जाइए उस पर क्लिक करके अपनी चैप्टर वाइज पढ़ाई कीजिए। और नोट्स के लिए मैं बता दूं, अक्सर स्टूडेंट कह रहे हैं तो ओनली आपको 99 रुपए में पूरी केमिस्ट्री का नोट्स आपको दिया जा रहा है। लेना चाहते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ओनली आपको मैसेज करना है, बता दीजिएगा कि सर क्लास 12th केमिस्ट्री का नोट्स चाहिए। ओनली 99 रुपए पे करने के बाद आपको तुरंत पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पर ही। और फिजिक्स का भी 99 ही है, तो आप चाहें तो अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का पीडीएफ नोट्स लेकर अपने बेहतर तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।